ना 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 उसके ऊपर करे बाजबूझ के दूसरे तो कौन कौन कड़ा है कम ही नहीं करे किसे सामाजिक काम भी कौन नहीं करे चटाले ने कुछ भी ना मारा गांव सुनो मारा गांव कम के को तिया तो प्यारा क्या हो मारा गांव में तो एक दिन भी कौन नहीं आओ मार तो मान करे खिंडका बांध दे और उसकी सब कुछ जिस तरह जमाई जमाई मान जाता मारा गांव ने तो कुछ ही नहीं करा एक दिन ही आया एक दिन बनने के बाद हलने के गठबंधन टूटने के बाद भी नहीं आया मारे गोतियाँ का अलौत है मारे अलौता ब्याह रखा हो आज हम एक दिन ही आया हो बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं आपका सतीश चंद्र सिसा और आपने बता दूं बिंदास हरियाणा की चुनावी सर्वे टीम जो कि जींद विधानसभा के रूपगढ़ के अंदर फिलहाल पहुंची है। बुजुर्ग देख पा रहे होंगे फिलहाल बुजुर्ग बातचीत आपकी कराया जाए लगभग 10 साल सरकार के कैसे रहे क्या कुछ काम हुए हैं और लगातार जो सरकार दावा कर रही है उसमें कितना दम है बातचीत करा देंगे। राम राम जी ठीक हो कौन था इनते भी कर लेंगे आपसे भी कर लेंगे और राजी खुशी हो ठीक ठाक ये लगभग 10 साल हो गए जी बीजेपी ने 5 साल अकेली थी 5 साल गठबंधन में थी कितने काम हो जी आपके काम कुछ नहीं हो जी झूठे आश्वासन है ना नौकरी किसी बच्चे को मिली कुछ नहीं होया जी जा वहाँ जो मिठी गोली दे दे हैं जी ये तो बकवास करने लायक रहे कोई इबका तो यूँ कांग्रेस ने लियावेंगे जी इबका तो आई समझ ठीक कोई खर्ची पर्ची का बड़ा जिक्र कर रही बीजेपी सरकार वह पिछली जो सरकार थी पिछली सरकार हुड्डा साहब की थी वह कम है कि भी पर्ची यानी कि सिफारिश पीछा चल लिया करता लेकिन हमने 10 साल तो बंद कर दिया बीजेपी का कहना है यह बात कुछ नहीं बीजेपी में के खर्चे पर्चे चलते नहीं बतेरे सुना भाई दोनों में हर पर कोई नहीं लगता बच्चा सारे डी ग्रुप फलान ग्रुप ये कर दिए जो बी ए पास हो ना कल आवे नहर में जो काम था उसका दफ्तर में के बना उसका नहीं बता बी ए करे बच्चे नहीं फिर लाग रहे हैं नहीं बता के पढ़ाई का के बना अनपढ़ आदमी लेकर बढ़ जाएगा कसी तो उसमें कोई फायदा नहीं इसका नहीं बता सरकार का कुछ नहीं करा करा वो कहने की बात है ना सामाजिक काम करे कुछ भी ना किसी का और नौकरी ये तो कहने की बात है जी ठीक हो जी राजी खुशी हो 10 साल का शासन आपने जी उड़ा राज भी देखा होगा बीजेपी शासन भी आपने देख लिया के अंतर नजर आवे दोनों राजा में जी कोई काम नहीं हुआ हमारा तो आपने नए विधायक बनाए थे अभी मिड्डा साहब तुमने कोई काम करवाया हो आपका क्षेत्र खाना पूर्ति है कोई काम कुम नहीं कोई पानी की नहीं बिजली की कोई सुविधा नहीं तो जी एक पीला कार्ड की योजना बड़ा जिक्र हो रहा है हरियाणा सरकार जिक्र करा बार बार कि भाई हमने पीला कार्ड बना दिया और जो जनता है गरीब है सब ने अनाज मिला है क्या लगा जी उसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई फायदा नहीं होते उन लोग कागज ठाए फिर न्यूनतम न्यूनतम सेंटर में तो कांग्रेस में तो दिया था अनाज तो पहले ही बना था आज अनाज को नया नहीं मिल रहा नौकरी दो नौकरी दे दो 2 किलो दाने में हो जाएगा सफल उसका क्यों बता नौकरी दे दो अपने मोल खरीद लेगा अनाज जो क्या कांग्रेस सरकार में के मिला नहीं था ना अनाज मिला था क्यों नहीं बीजेपी ने थोड़ा चालू करा था कोई सर कांग्रेस से चल रहा एक तो आप तो एक प्रश्न और पूछ लिया हाँ जी दुष्यंत चौटाला हाँ जी वो जिसने जो पार्टी में गठबंधन रहा 4.5 साल तक हाँ जी अभी भी टूट गया हाँ जी उनका कहना था बुजुर्ग जो पेंशन है बुढ़ापा पेंशन है मैं 5100 रुपये करवाना चाह रहा था लेकिन सरकार ने मेरी मननी को इसलिए मैंने गठबंधन तोड़ लिया सुनो रूख तड़का रूख के ऊपर दिया करे है वो तो अपने पेंशन तो सारे कहे हैं कि हम 6000 करेंगे ये करें ठीक है चलो कुछ नहीं है उसने कि नहीं बता 100 रुपये साल कर बढ़ावे ये बीजेपी वाले उसके कहने 3000 रुपये और ये कड़े उसके भी कुछ नहीं करे वो भी मिट्टी गोली दे गया वो भी मिट्टी गोली दे गया उसके भी कुछ नहीं चाले चुले कुछ नहीं करे ये अब की बार जेजेपी के जो प्रमुख है दुष्यंत चौटाला ही बात कर लें दावा करेंगे अब की बार मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और बहुमत लेके आऊंगा कौन है दुष्यंत चौटाला ना 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 उसके ऊपर करे बाजबूझ के दुष्यंत तो कौन कौन कड़ा है कम ही नहीं करे किसे सामाजिक काम भी कौन नहीं करे चौटाले ने कुछ भी ना मारा गांव सुनो मारा गांव कम के को तिया तो प्यारा क्या हो मारा गांव में तो एक दिन भी कौन नहीं आओ मार तो मान करे खिंडका बांध दे और उसकी सब कुछ जिस तरह जमाई जमाई मान जाता मारा गांव ने तो कुछ ही नहीं करा एक दिन ही आया एक दिन बनने के बाद हलने के गठबंधन टूटने के बाद भी नहीं आया मारे गोतियाँ का अलौत है मारे अलौता ब्याह रखा हो आज हम एक दिन ही आया हो पूरे वाल्मीकि आगे चुपाल का तरह कहा था भी कर
ग्रांट दे दो, एक कमरा बनाना जी, गेट लाना, कुछ नहीं। एक सामाजिक नाला था, नाला कुछ नहीं भाई, सारा गांव का गंदा पानी लग रहा, कुछ नहीं करा। टंकी का पानी जोन से सरकार अपना राखी ने, गंदा पानी आवे है सप्लाई में, कोई सुना सुना ही नहीं कर रहा। ये तो घोसले हैं जी इनके, तो खुशी हो राजी खुशी तो भी आगे हूँ जी। बात करा तो अभय सिंह चौटाला लगातार अपना बयान देते आने लग रहे, भाई किसाना खातर मैंने इस्तीफा दिया था, ईब किसाना का तो वोट लेने का अधिकार मेरा है। देवीलाल के वोट, हाँ जी बताओ, देवीलाल के वोट दूंगा मैं तो। बुढ़ापा पेंशन देवीलाल ने बांधी थी, ये देखा नहीं। देवीलाल के भी परिवार के कई पार्टियां बट रहे हैं, अभय सिंह अलग है, क्या नाम ले रहा है, तो है अपना अपना गढ़ तो है चुटाला, असली चुटाला है। चुटाला ने कमजोर ना समझना चाहिए, हर एक जाति बिरादरी को हर समान समझता है चुटाला। लंगड़ा बेशक हो 12 नंबर ही है। तो अब की बार फिर चाह रहे हो भाई इंडियन नेशनल लोकदल ना के लेके आवा? चुटाला के दूंगा, चुटाला अपनी नई वही नेशनल पार्टी रहेगी, चुटल लगन लगेंगे हम तो। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, बल्कि मैंने बहुत इलेक्शन करा के देख रखे, चुटल्ला मैंने ले गया खल ठा गया बाय इलेक्शन के अंदर। मतलब तेरे को ऐसी जगह पहुँचाएंगे जहाँ पर आपको अच्छी रोटी मिलेंगी, वो मेरे को जानता अच्छी तरह। रोशन लाल मेरा एक रोशन लाल बड़ौदी वाला बिजी हुआ है, लाल सारे नहीं होंगे। फिलहाल बातचीत करवा देंगे, नमस्कार जी, ठीक हो, राजी खुशी हो, क्या कुछ लगा है जी? अब 3 महीने के आसपास चुनाव का टाइम रह गया, चुनाव रह गया, किन मुद्दे पर वोट की बार जनता देने जा रही है? बस जी देखो, हम तो एक बात कहा है, ये पिछली सरकार ने देखा था, जो वहाँ चल छणिया अगले करेंगे तो वोट किसी को नहीं देने चाहिए। 10 साल कांग्रेस ने बीजेपी निराश कराया, 10 साल के दौरान हमारी जो हालत करी है, ये जिन कागज पलंदे इकट्ठे करा कर जो किसी काम नहीं आए। अच्छा मेरे अपने घर की बताऊँ बात, हमारा राशन कार्ड बना था BPL का, आज से 6 महीने पहले एक राशन कार्ड आया, उसके बाद हमारा राशन कार्ड उठा दिया। अब मैसेज आया भाई आप मतलब इसके वो नहीं हो, अधिकारी नहीं हो, क्यों भाई? गए DC उसमें और मेरा लड़का घर में तो चलने दुकान नहीं बोला भाई, नुक तेरे माता पिता ने कहा एम्प्लॉयज़ की वो पेंशन लेने लग रहे, जबकि हमारे घर में कोई एम्प्लॉयज नहीं है। तो झूठे आश्वासन दे रहे हैं, झूठे काम कर रहे थे, इसमें तक ये सरकार या अगली भी यही करके इनको कोई फायदा नहीं देने का। हमने 70 साल के हो गए थे, 70 साल में यही देखे कोई किसी का कुछ नहीं करता, बस झूठे आश्वासन दे। और अच्छा अभी देखो, अभी 10 साल तो BJP रैली, ये कांग्रेस कैम भी आवेगी, कांग्रेस क्या करती है क्या ना करती है, ये बात है जी। तो जी आपने सुना होगा जो BJP के मुख्यमंत्री हैं वो दावा करेंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी, और वो भी बिना खर्ची के और बिना पर्ची के, यानी कि बिना पीछे दिए और बिना सिफारिश लाए, कुकर लगे लगे कितने बड़े ना जी। मारा घर में सो अभी एक यार कम से कम भी 5-6 साल हो गए बैठे, यार कोई सुनवाई नहीं हो रही, कम कर झूठे आश्वासन दिए हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा, हमने पैसे दे तो लग गए उनका नहीं, मेरे पैसे देख लगे कि ना लगे नहीं, हमने ये नहीं मेरा जो हमारा घर में लग गए नहीं, छोरा बी ए कर तुम कैसे कहते हमें नौकरी मिलती, ये बताओ जी। एक अंतिम प्रश्न है, बातचीत कराऊंगे, आखिरी प्रश्न है, ये बात करा जी 13 महीने किसान आंदोलन चलिया, दिल्ली के बॉर्डर में किसान बैठे रहे थे, उसका कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है विधानसभा चुनाव को? बहुत पड़ेगा जी, बहुत पड़ेगा। लठ ला के कर, उनका कहकार किसान के दे के दिया, किसान थे लटका जा रहे, शहीद हो गए मरे, इतने कुछ नहीं दिया। अरे सुन, ये नौकरी का ना अग्निपथ मिलिट्री के अंदर 20 साल तो नए हथियार आवा वो भी चलाने को नहीं आते, 4 साल में के चला लेगा, 9 महीने तो उसकी ट्रेनिंग चल रहा है, रह गए क्या 3 साल रह गए, एक नया तो नया हथियार आवे बता के कर लेगा, वो चला लेगा आगे, 4 साल में तो घर आ जाएगा ना, उसका शहीद का दर्जा कुछ बेचारे कहीं गुजरे जम्मू कश्मीर में कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया उनको, 4 साल आगे नहीं पता क्या है, 4 साल में कुछ ही नहीं होता 4 साल में। हाँ जी फिलहाल भाई जींद, हाँ जी एक मिनट बताओ क्या चीज़ कर रहे हो? हरियाणा सतलुज रावी व्यास का पानी अब तक नहीं हरियाणा में, और कितनी सरकार बदली, बंसीलाल यादव सुप्रीम कोर्ट से जीत के केस, और सारे क्यों नहीं जिंदा पंजाब हमारे को पानी फिलहाल भाई
जींद विधानसभा तक जुड़ा था और आपने पूरी बातचीत मैंने सुनाई थी, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।